हाय गाइस, वेलकम बैक टू डिस्टेंस रूटीन। मैं हूं शुभम और इस टाइम मैं हूं बहुत ही तेजी से प्रसिद्ध होने वाली प्लेस स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। ये आप बैक साइड में देख रहे होंगे और मेरे व्यूअर्स की बहुत ही डिमांड थी कि यहां पर मैं आऊं और यहां के बारे में जानकारी दूं। तो यहां पर मैं पहुंच गया हूं और आपको बताऊंगा कि कैसे आप यहां पर पहुंच सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स होते हैं। मेरे मन में भी डाउट्स थे कि यहां पर कितना टाइम लगेगा घूमने में, यहां पर रुकना भी चाहिए और या नहीं रुकना चाहिए, यहां पर होटल की सुविधा है या फिर नहीं है, खाने की क्या सुविधा है, एंट्री फीस क्या है, बहुत सारे डाउट्स हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप यहां पर आने का प्लान बना रहे हैं। तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा। पूरी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए स्टैचू ऑफ यूनिटी। अहमदाबाद के गीता मंदिर बस स्टैंड से आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए डायरेक्ट बस मिल जाती है। अभी तो लगभग सुबह के 5:20 हो रहे हैं और 6 बजे यहां पर बस लगेगी और बस से फिर पहुंच जाएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए डायरेक्टली। बहुत सारे लोग आपको मिसगाइड करेंगे, बोलेंगे कि पहले वडोदरा जाओ फिर उसके बाद वहां पे जाओ, या फिर बहुत सारे लोग बोलेंगे भरूच भी जाओ प्राइवेट बस, ये वो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट यहाँ से बस मिल जाती है, और अगर आपको इनडायरेक्ट जाना भी है तो बस स्टैंड के अंदर ही आ जाए और यहाँ से आपको वडोदरा की बस मिल जाएगी। मतलब हर आधे घंटे पे वडोदरा की बस जाती है जो लगभग 100-200 के अंदर में ही आपको वडोदरा पहुँचा देगी, और वडोदरा से बस स्टैंड से आपको डायरेक्ट मिल जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए बस। तो यहाँ से भी है बस स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए डायरेक्टली और वडोदरा से भी है। तो फिलहाल वेट कर रहे हैं, 6 बजे अपनी बस जाएगी स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अहमदाबाद से, और देखते हैं कितना लगता है पैसा। स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात के एकता नगर में स्थित है और एकता नगर को पहले केवड़िया के नाम से भी जाना जाता था। स्टैचू ऑफ यूनिटी नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंडर में आता है। अपनी जो बस है स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए अहमदाबाद से वो आ चुकी है, और ये है वॉल्वो बस, होती है एसी बस होती है, किराया तो आगे जाके पता चलेगा अंदर बाय द वे। और ये लिखा रहेगा थोड़ा गुजराती में तो आपको समझना पड़ेगा, और बाकी यहाँ पे इंक्वायरी ऑफिस वगैरह है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं और फिर उसके बाद इजली आप पहुँच जाएंगे, वो बता देंगे किस नंबर पे आने वाली है। तो लगभग आई थिंक 7 या 8 नंबर पे ये आई थी अहमदाबाद के बस स्टैंड पर, जो गीता मंदिर बस स्टैंड है वहाँ पर। तो ये रही वो बस, और बस की कंडीशन तो अच्छी है। एक और बात है, इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है तो आप ऑनलाइन बेटर है बुक करवा लें, क्योंकि हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे सीट भी मिली है तो वडोदरा से सारी बुक है, तो जो सीट मिली है वो एकदम पीछे की मिली है, तो ऑनलाइन बुक करा लें। स्टैचू ऑफ यूनिटी पहुँचने के लिए नियर बाई रेलवे स्टेशन एकता नगर का ही है, लेकिन यहाँ ट्रेन की फ्रिक्वेंसी काफी कम है, इसलिए वडोदरा पहुँच के यहाँ बाई बस आना सबसे सुविधाजनक माना जाता है, जबकि नियर बाई एयरपोर्ट भी वडोदरा का ही है। अहमदाबाद से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाने के लिए आपको एसी बस का देना पड़ता है लगभग 304 रुपए पर पर्सन। मैंने 2 टिकट लिया हुआ है तो 608 रुपए है, तो इतना लगता है। अगर आप वडोदरा से जाते हैं तो आई थिंक इसका आधा लगता होगा या फिर आपका 200 के आसपास में खर्चा आता होगा। तो ये टिकट प्राइस है, और एसी बस यहाँ से केवल एक ही चलती है, नॉन एसी कहते हैं, केवल 2-2.5 घंटे पे चलती रहती है लेकिन डे टाइम में। तो इस बात का ध्यान रखें और कोशिश करें कि ऑनलाइन ही बुक कर लें और सुबह सुबह निकल लें आप, ज़्यादा अच्छा है, तब आपको एसी बस मिल जाएगी। और वडोदरा से भी एक ही एसी बस चलती है और यहाँ से भी एक ही गवर्नमेंट की एसी बस चलती है। अहमदाबाद और वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक ही एसी बस चलती है, जो कि सुबह 6 से 6:30 बजे अहमदाबाद से, जबकि वडोदरा से लगभग मॉर्निंग 7:30 से 8 के बीच चलती है, और लगभग 11 बजे के करीब मैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास पहुंच गया।
इवनिंग लगभग 4:30 बजे स्टैचू ऑफ यूनिटी के बस स्टैंड के बाहर ही सेम बस आपको रिटर्न के लिए भी मिल जाती है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जहां पर बस ने ड्रॉप किया था वहां पे पता किया तो यहां पे कोई भी होटल वगैरह नहीं है, और जो है भी होटल वो काफ़ी कॉस्टली है, तो रुकने का तो यहां पे कोई जुगाड़ नहीं बन रहा है। बस अभी इसकी तरफ हम लोग पहुँच गए हैं, और ये जो आप देख रहे हैं ये है यहाँ का बस स्टैंड, और यहाँ पे लॉकर रूम है, तो लॉकर रूम में ही अपना लगेज रखने वाले हैं। टाइमिंग आप ये देख सकते हो 8 AM to 9 PM है। कितना लग रहा है चार्ज? चार्ज अभी बताया नहीं मैम। फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट। ओह ये बहुत बढ़िया है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपना लगेज ड्रॉप कर सकते हैं। बस स्टैंड पर ही आपको ये पिंक बैटरी रिक्शा देखने को मिलेगा जो केवल लेडीज ही ड्राइव करती हैं, और आपको यहाँ के आसपास की टूरिस्ट प्लेसेस पर 50 रुपए में ले जाते हैं। लेकिन बस स्टैंड से आप 5 मिनट से कम समय में पैदल चलकर ही स्टैचू ऑफ यूनिटी तक पहुँच सकते हैं। यहाँ के बस स्टैंड पर ही आपका सारा काम हो जाता है और टिकट भी आपको मिल जाती है। मुझे 12 से 2 बजे के बीच का स्टैचू ऑफ यूनिटी के विजिट का टाइमिंग का मिला हुआ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि टिकट नहीं मिलता है, ऊपर जा नहीं सकते। मैं वीकेंड में आया हूँ, सैटरडे है आज, और मुझे मिल गया है, ये इजली गया हूँ बस काउंटर पे और टिकट मिल गया है। प्राइस की बात कर लेते हैं, 150 रुपीज़ में जो एंट्री टिकट मिलता है उसमें आप केवल नीचे के एरिया में विज़िट कर सकते हैं। अगर आपको ऊपर जाना है तो 380 रुपीज़ देने पड़ेंगे। तो जो मैंने लिया है 380 का लिया है, एक टिकट पड़ा है, ये रहा वो टिकट। और टाइमिंग का स्लॉट मिलता है जो कि 12 से 2 बजे का है, 2 घंटे का स्लॉट मिलता रहता है। बाकी आगे देखते हैं पूरी टाइमिंग ओवरऑल क्या है यहाँ की, और भी क्या क्या चीज़ें हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी पर। लेकिन आप ऑनलाइन टिकट करवा कर ही जाएं, क्योंकि कई बार ज्यादा रश होने पर आपको टिकट मिलने में परेशानी हो सकती है। सो स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर मैं आ चुका हूँ, और मूर्ति कहाँ पे, पीछे वो दिख रही होगी। तो यहाँ पर अब कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा रहा है सफ़र अभी तक। हुआ कुछ यूँ कि अहमदाबाद से यहाँ पर आए हैं, और प्लान कुछ ये था कि यहाँ पर स्टे करना था, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, जैसे ही उतरे तो यहाँ पर पता चला कि आसपास में कोई होटल ही नहीं है, और जो भी है वो लगभग 6 किलोमीटर दूर पे है, होम स्टे हैं, और जो पास में है वो रेमेडा वगैरह है, मतलब काफ़ी बड़े ब्रांड्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये है, और वीकेंड पे वहाँ पे भी रूम वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं, इसलिए पहले से सारे बुकिंग वगैरह भी करवा के रखें। तो अगर यहाँ से 6 किलोमीटर होम स्टे वगैरह भी जाते तो यहाँ पे जो ई रिक्शा वाले हैं वो लगभग 110 रुपये लेते, और एक पॉइंट है वहाँ पे छोड़ते, उसके बाद जो होम स्टे वगैरह वालों से बात किया है वो आपको लेने आते। ऑनलाइन बुकिंग में मुझे नहीं मालूम कि वो लेने आते भी या नहीं आते, तो ये प्रॉब्लम थी। तो इस वजह से हम लोग चूँकि स्टैचू ऑफ यूनिटी के बाहर ही उतरे थे, तो प्लान किया कि भाई पहले घूम ही लेते हैं ना, जिस चीज़ के लिए आए हैं सामने है तो घूमते हैं, अगर डे ट्रिप कर सकते हैं तो डे ट्रिप ही करें, क्यों फालतू के पैसे लगाने यहाँ पे स्टे करने के लिए। अब बाकी देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है। फिलहाल स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने केवल आए हैं, तब तो एक दिन में ही आपका काम हो जाएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी के कॉम्प्लेक्स के अंदर आते ही आपको खूबसूरत गार्डन्स देखने को मिलेंगे, और यहाँ पर फूड कोर्ट भी है, लेकिन खाने पीने की चीजें काफी कॉस्टली पड़ती हैं। वैसे आप अपने साथ यहाँ खाने पीने की चीजें ले जा सकते हैं, जिससे आपकी काफी सेविंग होगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अंदर, स्टैचू के अंदर नहीं, आसपास का जो इसका पूरा कॉम्प्लेक्स है वहाँ पे फूड कोर्ट भी है, और जैसे कि एंट्री आप करते हैं एंट्री के बाद अंदर आपको फूड कोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन कॉस्टली बहुत है, और ये अगर एक पानी की बोतल भी लेते हैं तो आपको 30 रुपये की मिलती है। एक जो अच्छी चीज़ है यहाँ पे वॉशरूम है, तो यहाँ पे जो वॉशरूम भी है काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है, तो वो सारी फैसिलिटी यहाँ पर मिलती है। और बाकी ये पूरा फूड कोर्ट का एरिया है, ये बाहर आपको स्टैचू ऑफ यूनिटी दिखेगी और इधर ये पूरा फूड कोर्ट दिखेगा जिसमें 3-4 है, और यहाँ पे खाने वाले लोग भी है। यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग के लिए व्हीलचेयर की भी सुविधा है, जिससे उन्हें यहाँ घूमने में कोई परेशानी नहीं आती है।
एंट्री टिकट स्कैन होने के बाद आपका पूरा चेकअप किया जाता है, मतलब सिक्योरिटी और बैग वगैरह चेक किया जाता है। एक जो डाउट होगा बहुत लोगों के मन में कि कैमरे के लिए क्या है सीन, तो कैमरा आप आराम से ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। और मैं भी ले आया हूँ कैमरा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई चार्ज है। और जैसे ही सिक्योरिटी चेकिंग होती है, आप आ जाते हैं और करीब स्टैचू के पास। स्टैचू ऑफ यूनिटी मंडे को क्लोज होता है और ट्यूसडे से संडे यहाँ की विजिटिंग आवर्स मॉर्निंग 8 बजे से इवनिंग 6 बजे तक होती है। जबकि लेजर लाइट और साउंड शो देखना चाहते हैं तो शाम 7 बजे देख सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के इतने करीब आ गया हूँ कि यहाँ पर अब कैमरे में भी आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है दोनों चीज़ें। और यहाँ से अब जाएंगे उस जगह पर जिसके लिए मैंने लगभग 230 रुपये एक्स्ट्रा दिए, क्योंकि 150 रुपये इस एरिया तक के लिए है। अगर आप यहाँ तक विज़िट करते हैं ये एरिया तक, अगर वहाँ ऊपर जाना है तो आपको देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा लगभग 230 रुपये, यानी कि 380 रुपये का ओवरऑल टिकट रहेगा। तो ऊपर की तरफ जाते हैं क्योंकि 380 वाला मैंने लिया हुआ है टिकट। और ये रहा यहाँ का जो नीचे वाला एरिया है पूरा, और ये नीचे का अभी देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं, और ऊपर वहाँ भी चलते हैं। 150 रुपये में आप यहाँ तक आ सकते हैं सरदार पटेल जी के चरणों तक, क्योंकि मुझे लगा था नीचे से मतलब कि यहाँ तक आने के लिए आपको टिकट दिखाना होगा, लेकिन 150 रुपये में आप यहाँ तक भी आ सकते हैं। तो आपका बजट नहीं है तो ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे यहाँ तक का काम हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं ऊपर से क्या है नज़ारा, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो वर्थफुल होता है या नहीं। उम्मीद तो है भाई, उसका भी अपना मज़ा होगा। और ये सामने नर्मदा नदी बह रही है, ये भी बहुत प्यारी लग रही है। चूँकि अभी फ्लो है तो इसमें क्रूज़ वगैरह वाली जो एक्टिविटी होती है वो अभी नहीं हो रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे लंबी स्टैचू है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। और यहाँ की व्यूइंग गैलरी में आकर आपको यहाँ के बारे में और भी काफी कुछ जानने को मिलता है। और यहाँ भी आप 150 रुपए के ही एंट्री टिकट में घूम सकते हैं। और इसी व्यूइंग गैलरी से ही लिफ्ट जाती है ऊपर की तरफ। उस लिफ्ट में आ गए हैं जो हम लोग को लेके जाएगी ऊपर तक। केवल 20 से 30 सेकंड में हम लोग 45 फ्लोर है या फिर जो भी है वहाँ पे पहुँच गए हैं। और ये लाइटिंग्स बड़ी बढ़िया बनाई गई हैं, ज़मीन पे है। और देखते हैं कहाँ पे आए हैं, अभी तो थोड़ा भटक भटक से गए हैं। ये यहाँ पे शीशे वगैरह लगे हुए हैं, देखते हैं उस तरफ कैसे जाते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ से जा रहे हैं। हाँ, जब आप ऊपर ऑब्जर्वेशन डेक में यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से आपको कुछ यूँ नज़ारा दिखता है। ये जालियाँ हैं और जाली से बाहर अगर आप देखेंगे तो नर्मदा नदी पूरी दिखेगी और उधर दूर डैम दिखेगा। बहुत प्यारा नज़ारा दिखता है। और साथ ही अगर नीचे देखना चाहते हैं तो नीचे वाला पोर्शन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये रहा यहाँ का ऑब्जर्वेशन डेक, आई थिंक उस साइड भी है, उस साइड का भी व्यू दिखता है। और यहाँ पर आपको 2-3 मिनट का फ्री गाइडेंस भी मिलता है, जिसमें आपको यहाँ के बारे में बताया जाता है। ऑब्जर्वेशन डेक से आपने देख लिया होगा व्यू, अब आपके लिए वर्थफुल है या नहीं ये आप डिसाइड कर सकते हो। इतना ऊपर आना चाहते हो, देखना चाहते हो, व्यूज़ आपको देखना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। अदरवाइज़ पूरा प्लेन ग्लासेस वगैरह नहीं लगी हुई हैं जिनसे आप प्रॉपर व्यू देख लो या फिर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवा लो, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है। तो आप चाहें तो नहीं भी आ सकते हो, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर, क्योंकि 230 रुपये काफ़ी ज़्यादा है डिफरेंस, प्राइस डिफरेंस, तो मे बी वर्थफुल कुछ लोगों को ना भी लगे। कितने फ्लोर हैं टोटल? 45 फ्लोर, 45 सेकंड में, मतलब हर सेकंड में एक फ्लोर। यहाँ फ्री पीने के पानी की भी सुविधा तो है, लेकिन अगर आपके पास बॉटल हो तो, अदरवाइज आपको 50 रुपए में सोवनिर बॉटल मिल जाती है। खाने की ऑप्शन की बात की जाए तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने ही कई सारे नाश्ता सेंटर हैं, लेकिन नाश्ता वगैरह वाले में आपको खाना नहीं मिलेगा। तो एक ही केवल मुझे मिला, वो है नर्मदा ढाबा,
और 120 रुपए में ये थाली है। टेस्ट ठीक ठाक सा है, ओके ओके है, अनलिमिटेड थाली है, लेकिन तो यही ऑप्शन, और कोई ऑप्शन नहीं है तो क्या किया जाए। बाकी बाहर बाहर दूर दूर ऑप्शन मिलेंगे कुछ ना कुछ, अगर ठीक सामने चाहते हैं तो यही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के अलावा भी यहाँ पर कई सारी प्लेसेस हैं जिनके टिकट्स के अलग अलग प्राइसेस हैं, और स्टैचू ऑफ यूनिटी के कुछ किलोमीटर्स के पहले ही आपको अपनी कार पार्क करनी होती है, और कार पार्किंग के बाद आप अपनी कार से प्लेसेस नहीं घूम सकते हैं। इसलिए यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए फ्री बसेस की रेगुलर सुविधा मिलती है। ज्यादा जानकारी के लिए आप स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी में घूमने का खर्चा जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात होती है कितना टाइम लगेगा, तो टाइम केवल आपको डे ट्रिप में काम हो जाएगा, कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस आराम से आए यहाँ, जल्दी निकल जाए सुबह, इवन आप 11-12 बजे तक भी पहुंच जाते हैं तो आप यहाँ पर स्टैचू ऑफ यूनिटी तो कवर कर लेंगे। बाकी और भी प्लेसेस कवर करनी है तो आप एक दिन ले सकते हैं और वीकेंड में आ सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे खर्चा क्या होगा, होटल अगर डे ट्रिप कर रहे हैं तो लेना नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन का मेन खर्चा होगा। अगर आप वडोदरा से, जो कि ज़्यादातर लोग आते हैं, तो 500 रुपये खर्च होगा आने और जाने का, और अगर आप आते हैं अहमदाबाद से तो 600 से 700 रुपये आने जाने का खर्चा होगा एसी बस से, नॉन एसी से आते हैं तो और कम में ही हो जाएगा काम। अब इसके बाद यहाँ का एंट्री टिकट जो आपका लगेगा, और इसके बाद खाना पीना जो आप खाएंगे उसके ऊपर 200-300 रुपये मान के खर्च होगा। तो ओवरऑल जो खर्चा आपका होगा एक पर्सन पे, वो आ सकता है आपका 1000 से 1200 रुपये का खर्चा आएगा अगर आप अहमदाबाद या वडोदरा से आ रहे हैं। अगर नॉन एसी बस करते हैं, नीचे ही यहाँ पे घूमते हैं, मतलब टिकट ऊपर तक जाने का नहीं लेते हैं, और बाकी डे ट्रिप कर रहे हैं, तो आपको शायद 1000 से कम में भी काम हो जाए। अगर होटल लेते हैं तो आप मान के चले कम से कम 1500 से 2000 रुपये एक्स्ट्रा आपका लग जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है। अगर बाइक वगैरह से ट्रिप करके आ रहे हैं, वहाँ से रेंट वेंट कर लेते हैं, मतलब 500-600 में आपको मिल जाती है बाइक वगैरह भी, तो वो भी ऑप्शन है, अवेलेबल है, उससे डे ट्रिप कर लें तो आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी वसूल हो जाएगा, दो बंदे आ जाएंगे, मतलब उसमें तो आपका 1500 में आपका काम हो जाएगा आने जाने का काम, या फिर 2000 लगेगा मैक्सिमम अगर आप बाइक रेंट वेंट कर लेते हैं वडोदरा या अहमदाबाद से। तो ओवरऑल ये मान के चलें कि एक सिनेरियो है कि 1000 से 1500-2000 रुपए तक का आपका खर्चा आएगा, इससे ज़्यादा यहाँ घूमने का खर्चा नहीं है, और आराम से यहाँ पे घूम लेंगे और डे ट्रिप कर सकते हैं। इसके अलावा सेफ प्लेस है, और शाम को लाइट शो वगैरह भी होता है, वो सब भी देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर जिसके लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, और भी यहाँ पे क्रूज़ वगैरह चलती है जो कि अभी बंद है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा है, वो सब देख सकते हैं। आसपास में कई सारी चीज़ें, उनको विज़िट कर सकते हैं। सो और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आप हमारी ट्रैवल कंसल्टेंसी फी देकर आप जान सकते हैं, और साथ ही साथ मेक श्योर नेचर को क्लीन और ग्रीन रखें, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी, थैंक यू फ्रेंड्स।